उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में चेयरमैन पति एवं बसपा प्रभारी द्वारा लगाए गए नेत्र शिविर में नेत्र रोगियों का परीक्षण कर उन्हें दवाइयां व चश्मे बांटे गए। जनपद संभल में रविवार को उपनगरीय सराया त्रीन में चेयरमैन प्रतिनिधि एवं 33 विधानसभा संभल के बसपा प्रभारी हाजी शकीर कुरैशी द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद से आई ओरेकल आई केयर की टीम ने मरीजों का चेकअप करने के बाद उनको दवाइयां एवं चश्मे बनाकर दिए। शिविर में करीब 200 मरीजों ने भाग लिया, जिसमें महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। हाजी शकील कुरैशी ने बताया कि लोग आंखों की शिकायत से परेशान थे। गरीब और कमजोर लोगों के लिए इस कैंप के माध्यम से आंखों का इलाज किया जा रहा है। दवाइयों के साथ चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही शहर के कई अन्य स्थानों पर भी इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। बसपा के युवा नेता एवं चेयरमैन पुत्र हसनैन शकील ने बताया कि कोई भी गरीब मरीज यदि दवाई चश्मे या इलाज नहीं करा पा रहा है तो उसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, कोई भी लाभ उठा सकता है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया संभल उत्तर प्रदेश। किस चीज का कैंप लगाया गया था? ये आंखों का कैंप है और एक हमने टीम मुरादाबाद से बुलाई है निःशुल्क। यहाँ पे हमने दवाइयों का भी इंतजाम कराया डॉक्टरों से और फ्री में चश्मे देंगे इंशाल्लाह, दो भी नंबर का इसका आएगा। लगभग कितने मरीज अब तक आ चुके होंगे? करीब 200-250 मरीज आ गए। काफी समय से दिक्कत चल रही थी क्या लोगों को? नहीं, ऐसा देखिए, लोगों के पास बेचारों के पास पैसे तो है नहीं, तो डॉक्टर ही 500 रुपये फीस दे। ये कैंप हमारे चलते रहेंगे शहर के अंदर इंशाल्लाह। कम से कम हम किसी शहर को हमने 5 टुकड़ों में बांटा है, 5 जगहों पे कैंप लगाएंगे इंशाल्लाह। जैसे एक सरहदी में लगाया, एक हयात नगर में लगाएंगे, एक चौईसरा में लगाएंगे, एक फिर कोर्ट में लगाएंगे, एक फतुल्ला सरा और दिल्ली दरवाजे का बनाएंगे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।